कहना चाहोगे? आपको काम कैसा लगा सर हमारा? बहुत अच्छा काम किया है। विट्टारा की एक और नई वीडियो में। तो आज हमारे साथ ऑटो ग्लैमर के हीरो मतलब हमारे अनिल भाई हमारे साथ। तो कैसे हो अनिल भैया? बस ठीक हूँ भैया। तो क्या कर रहे हो जरा विट्टारा बताना। बेस वेरिएंट था, ठीक है। देखो एलईडी डाल रहा हूँ, चार कंपोनेंट डाल रहा हूँ, ठीक है। JBL का आगे GTO पीछे 390 वाट कंपोनेंट, ठीक है ठीक है। और साउंड ब्लास्ट का एम्प डाल रहा हूँ, वायरिंग किट बराजो की डाल रहा हूँ, सीट कवर इंटीरियर है और नीचे फ्लोरिंग मैट, ओके। और बाकी क्रोम के सारे आइटम है, ओरिजिनल पार्ट सारे लेंगे, अलॉय में चेंज कर चुका हूँ इसमें। कस्टमर का डिमांड था कि अलॉय है तो मैं काम कराऊंगा। तो फ्रंट से आपको दिखा दूं कि भाई बेस वेरिएंट है पूरा, अपना सिस्टम विस्टम भी अपना यहीं से लग रहा है। सबसे पहले बात करें अगर इसके साइड लुक के, तो साइड लुक में भैया ने यहाँ पे डायमंड कट वाले जो अलॉय है वो अपना चेंज कर दिया यहाँ पे। और चेंज करने के बाद जो साइड से आप इसका लुक देखोगे ना, तो साइड की जो लुक आती है वो ये है। बाकी फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में क्या क्या कर रहे हो ये बताना जरा। फ्रंट में इसमें वो लगेगी गार्निश लगेगी पियानो वाली, ठीक है। एलईडी चेंज होगी 160 वाट वाली, ओके। और जीवा की 160 वाली एलईडी, ठीक है। और बताइए, और इसमें अंदर बाकी सिस्टम दिखा देता हूँ। साउंड ग्लास का एम्प है, ओके। स्टेयरिंग गैप है, और बाकी बाहर आउटर एक्सेसरीज की बात करें तो ड्रेन वाइजर लोअर गार्निश और पार्ट है ही है, है ना, बेसिक सब कुछ है, ओके। और बताओ जरा बाकी सब। म्यूजिक अच्छे लेवल का है, मतलब आगे GTO के कंपोनेंट है, पीछे कोई 390 वाट का कंपोनेंट है GTO का। सिस्टम आप इसके अंदर एंड्रॉइड लगा रहे हो? एंड्रॉइड लगा रहा हूँ। एंड्रॉइड लगा रहा हूँ, तो चलो एक बार मैं आपको सिस्टम दिखाऊंगा। देखो सिस्टम का जो काम है ना भाई वो अपना अभी इसके अंदर हो रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिस्टम अपना, ये एंड्रॉइड का भी इसको ऑन करके दिखाएंगे। बाकी नीचे की तरफ आओगे तो नीचे की तरफ ना यहाँ पे अपना फ्लोरिंग का जो काम है वो अपना स्टार्ट हो चुका है, फ्लोरिंग होने देता है। बाकी अनिल भैया इसमें स्टीयरिंग वगैरह चेंज नहीं कर रहे? स्टीयरिंग कस्टमर की डिमांड नहीं थी, वैसे स्टीयरिंग दूसरी गाड़ी में ब्रांड बिटा कर टोटल चार गाड़ी लगी हुई है, ओके। अभी दिखा भी देता हूँ, एक गाड़ी दो गाड़ी में स्टीयरिंग चेंज कर रहा हूँ। चलो भाई तो इसके बाद ना नेक्स्ट वीडियो तो उसी गाड़ी की बनाते हैं फिर, तभी यहाँ का देखते हैं। बाकी इसमें अभी सामान वामान सारा तो लग रहा अभी लगने देते हैं। बाकी सीट कवर अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद। एंड बैक साइड अगर आप आओगे तो बैक साइड देखोगे तो भाई यहाँ पे ना इसके अलॉय व्हील्स वगैरह जो हैं वो रखे हुए हैं इसके अंदर, है ना अनिल भैया? हेलो जी, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। अपना सिस्टम जो है वो अपना हाइपरसोनिक का एंड्रॉयड है, इसको साइड कर देते हैं। बाकी नेक्सा की जो जेन्युइन एक्सेसरीज है वो इसके अंदर इंस्टॉल्ड हो रही है, अभी होगी तो अभी दिखाते हैं आपको। बाकी अलॉय चेंज कर चुके हैं, तो यहाँ पे अलॉय के डब्बे वगैरह आपको दिख जाएंगे। एंड अगर अलॉयज़ की मैं आपको MRP दिखाऊँ ना, ये देखो अलॉयज़ की जो MRP है भाई वो अपनी 11,290 रुपये की है। इस पर भी 10 की अगर इसकी MRP आप देखोगे तो MRP भैया इसकी 11,290 रुपये है ना अनिल भैया? हाँ जी, हाँ जी। तो चार को अगर इंक्लूड करते तो अराउंड 40-45 के बीच में, 44 के समथिंग में आपका अलॉयज़ जो है वो डल जाता है। डिस्काउंट देंगे, ओके। तो भाई डिस्काउंट के लिए इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी चलते अभी सीट कवर का दिखाते हैं, चलो ना अनिल भैया सीट कवर का दिखाना इसका। अपने सीट कवर रखे हुए हैं ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बाकी अभी अनिल भैया आपको दिखाते हैं इसका कम्प्लीटली लुकअप। तो देखो फिटमेंट के साथ में डिजाइन जो है वो ओरिजिनल पैटर्न का है, ऊपर बर्फी सेंटर पर सॉफ्टनेस है इसके अंदर, ओके। लेमिनेशन पी के साथ आई, ठीक है। और इसकी फिटिंग देखना बिल्कुल 0-0 आएगी, 0-0। एंड भाई प्रॉपर ना रिंकल फ्री सीट कवर है इसके, तो अभी इसका काम चल ही रहा है। चलिए तो अभी इसको करने देते हैं, बाकी एंड में आपको दिखाते हैं कितनी कैसी फिटमेंट आती है इसकी। चले भाई, फाइनली भाई गाड़ी का जो काम है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है और हम आ चुके हैं अपने ऑटो ग्लैमर पे। अनिल भाई हमारे साथ है, तो कैसे हो अनिल भैया बताओ जरा, सारी सामान जो लगाया आपने इसके अंदर? इसमें मैंने बता दिया था क्या क्या चीज़ मैंने इंस्टॉल की हुई है। चलो देखो भाई चेक करवा भाई, सबसे पहले फ्रंट में देखोगे तो एक आध जो आइटम है वो थोड़ी बहुत कैंसिल भी हो गई है। कैंसिल होगी, चलो कोई सही लग रहा था, बाकी लेके कोई इशू नहीं है। वो देखो फ्रंट में तो वो कैंसिल होगा, बाकी साइड अलॉयज जो लगे तो साइड से अगर बॉडी लुक देखोगे ना आप गाड़ी की तो तगड़ा लुक आता है भाई। एक गाड़ी ये खड़ी और एक गाड़ी ना अपनी विट्टारा की वो खड़ी, उसकी वीडियो आपको इसके बाद मिल जाएगी। और बताओ जी, इसमें म्यूजिक का काम हो चुका है, सीट कवर हो चुका है, सीट कवर हो चुका है ना। हाँ। चलो मैं इस साइड से आता हूँ पहले। तो यहाँ पे भाई अंदर देखोगे सबसे पहली चीज की यहाँ पे जो सीट कवर है ना इसके डबल डिजाइन में मतलब डबल टोन में बने हुए, ओके। बर्फी कटिंग है, जो सेंटर में लोग बकट नहीं करते, मैं सेंटर में बकट करता हूँ इसकी, ओके। एंड फिटमेंट अगर भाई इसकी देखो, एंड भाई फिटमेंट अगर इसकी आप देखोगे तो आपको ऊपर से लेके सॉरी नीचे तक ना पूरी की पूरी फिटमेंट दिख जाएगी। साइड में डबल स्टिचेस लिया गया है, यहाँ पे अपना बर्फी दिया गया और सेंटर में अपना पंचिंग दिया गया है ना। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे इसमें ऐसा है कि स्टीयरिंग भी चेंज करा सकते हो। चलो जी, हाँ जी। स्टीयरिंग चेंज ना करके खाली स्टिचिंग कराना चाहते हो तो स्टिचिंग भी हो जाएगी अपने पास, ओके। फिनिशिंग देखिए, फिनिश अप। तो भाई स्टीयरिंग की अगर फिनिश अप आप देखोगे ना तो फिनिश अप आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ब्लैक के साथ जो अपना कॉफी ब्राउन है उसके साथ जिगजैग किया गया, जो आपका इंटीरियर कलर इससे मैच किया गया ना उसके साथ यहाँ पे जिगजैग हुआ पड़ा है। और पूरा स्टीयरिंग अगर पकड़ने में देखे तो फुली कम्फर्ट है। और क्या किया आपने इसके अंदर? बाकी इनरोड लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, बैक कैमरा देखिए। तो एंड्रॉइड देखोगे भाई अपना, तो एक मिनट, एंड्रॉइड जो अपना लगा है भाई वो अपना हाइपरसोनिक का लगा, तो वो सामने आपको दिख जाएगा। साथ में जो स्पीकर्स लगे हैं इसके अंदर वो कौन से लगे हैं?
आगे जीटीओ लगा, पीछे 390 वाट कंपोनेंट लगा, चार कंपोनेंट ही लगे हुए। किस मालिक की गाड़ी है और बताओ अनिल भैया जरा। देखो चार कंपोनेंट मैंने बता दिए थे, उसके बाद एक एम्प लगा, वायरिंग और हाई लो लगा। okay. जो इसका साउंड सेटअप है, कस्टमर की डिमांड थी कि मेरे को हाई साउंड चाहिए, इसमें okay. हाई साउंड बना हुआ। चलो भाई देखो, सीट कवर तो मैंने आपको दिखाई दिया था, फिटमेंट वगैरह सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी थी। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये ब्लैक के साथ स्टिचेस है, तो ये भी काफी अच्छा लगता है। बाकी पीछे एक पार्सल ट्रे ऐड हुआ है एंड सीट कवर वगैरह की फिटमेंट वगैरह सारी मैंने आपको बताई दी थी। अब बारी है भाई सिस्टम साउंड चेक करने की, तो एक बार इसका साउंड चेक करते हैं एंड देन भाई लेंगे कस्टमर रिव्यू एंड करेंगे भाई वीडियो का एंड। तो भाई बारी है अभी ना अपनी साउंड टेस्टिंग करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने एनसी से गाना बजा दिया अपने फोन में, ये बजाते हैं। चलो अभी जो साउंड हमारा वो है अपना आर्ट पे, अभी धीरे धीरे इसको बढ़ाते हैं। भाई गाड़ी अब साउंड टेस्टिंग करने की, मैंने गाड़ी में साउंड लगा दिया, अब धीरे धीरे इसका साउंड टेस्ट करते हुए भाई इसके अंदर ना JBL कंपोनेंट्स लगे हैं, तो इसके साउंड ये थोड़े से अलग होंगे, तो एक बार इस पे क्लिक करता हूँ। साउंड की सेटिंग भाई बिल्कुल मिड रेंज में की गई है, ताकि आप साउंड सुनो तो ज़्यादा आपको चुभन की दिक्कत ना करनी पड़े, क्योंकि साउंड कोई सुनता है भाई तो थोड़ा लंबे समय के लिए सुनता है, तो इसमें ऐसा नहीं कि आप लंबे समय में सुनोगे तो आपके कान में थोड़ी हिचक सी होगी, कोई वैसा इशू नहीं है। मिड रेंज का साउंड इसमें सेट किया गया और साउंड जो भाई काफ़ी ज़बरदस्त है, आपने सुना ही होगा। तो बढ़िया भाई, अब कस्टमर रिव्यू चलते हैं, कस्टमर के पास लेते हैं कस्टमर रिव्यू एंड भाई करते हैं वीडियो का एंड। आगे हम कस्टमर रिव्यू भैया हमारे गाड़ी के ओनर, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुकेश भाई। मुकेश भैया, अच्छा भैया आए कहाँ से आप? मैं आया हूँ रोहतक से। रोहतक से, अच्छा अनिल भैया का लिंक कैसे मिला आपको? अनिल भैया का लिंक YouTube से और किसी और जिसने पहले काम किया उससे मिला है। ओके okay. तो ओवरऑल जो गाड़ी में अनिल भैया ने काम किया वो कैसा लगा आपको? काफ़ी अच्छा काम किया है। तो अनिल भैया कुछ कहना चाहोगे? आपको काम कैसा लगा सर हमारे? बहुत अच्छा काम किया है। तो देखो ये तो अनिल भाई का भी स्टार्टअप है, धीरे धीरे अभी गाड़ियाँ आनी स्टार्ट हुई है, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आओ अनिल भाई की शॉप पर विजिट करो, काम करो और उसके बाद इनसे कुछ जो काम और डिस्काउंट वगैरह वो लेके जाओ, है ना अनिल भाई? हाँ। तो चलो धन्यवाद भैया, आपने एक अच्छा कस्टमर रिव्यू दिया, तो मिलते हैं। ये भैया की गाड़ी है भाई और भैया हमारे रोहतक से मिले, तो इनको हाय जरूर बोलना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी वीडियोस के लिए भाई निकू कपूर को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।